फिर ऐसे दो पाँव, फिर ऐसे। हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा दो साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह से नहीं कर पाई, बहुत सारा काम था, तो अभी कर रही हूँ। मैं शाम के समय इवनिंग वॉक पे आई हूँ, तो खेत खलिहान में घूमते हुए, तो मैंने कहा कि यहीं से शुरुआत करती हूँ ब्लॉग की। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। पहले तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आज प्यारा प्यारा व्यू। हमारे खेत कितने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पर पूरे गेहूँ पक चुकी हैं बालियाँ, और वो सामने दिख रहा है गरुड़ मार्केट। हमारे गरुड़ ब्लॉक का जो मार्केट है ना, ये वाला ही है पूरा, बहुत अच्छा है और बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है आज साफ साफ बिल्कुल। जैसे ये वाला खेत दिख रहा है ना बिल्कुल खाली, तो इसमें धान बो दिए गए हैं। इस एक खेत में धान बोए हैं, धान का बीज, और ये इसके धान के बीज हो जाएंगे लगभग लगभग 20 से 25 खेतों के लिए। और अगर कहीं पे ना धान का बीज उगा होगा तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। पूरे गेहूँ काले पड़ गए हैं, ये तो खाने लायक भी नहीं होंगे। सारे को सिर पर हमें एक दीदी मिले हैं, और दीदी से पूछ लेते हैं, दीदी क्या काम करने के लिए आए हैं? दीदी क्या काम करो ऐसा? बर्सिम काटू है। अच्छा, बढ़िया रहे ना बर्सिम? हाँ, तीन चार दिन हो, बड़ा मुश्किल है ना। थोड़ी अब यहाँ पे बैठ जाती हूँ और यहाँ से देखती हूँ थोड़ा खेतों को। बहुत प्यारे लग रहे हैं खेत, और बहुत ही खुशी मिल रही है। मैं सुकून के कुछ पल, और मेरे साथ आया मेरा भानु जो कि है मेरे बैक साइड, और आज वही बना रहा है मेरा ब्लॉग। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब खेतों को देखते हुए। और आज तो देखो हिमालय में ना धूप भी आ गई, वो अब लग रहा है कल धूप आएगी करके। हमारा हिमालय करके, फिर ऐसे दो पाँव, फिर ऐसे, फिर एक पाँव, फिर ऐसे घूमते थे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर आउट हो गई। जैसे दो पाँव रख दी तो आउट हो जाते थे। और आज मेरा भानु भी आ गया थोड़ी बहुत मेरे ब्लॉग में, और उम्मीद हो रही है कि मुझे कि आगे को भी अब थोड़ी बहुत कभी कभी आ जाएगा करके। बहुत खुशी हो रही है। देखो दीदी पराद लेके आए हैं, वो पहले से तो डलिया में लाते थे, अब सब पराद में लाते हैं। पराद में बहुत अच्छा अच्छा बारिश। हाँ सब चिमड़ भुगो ना। हाँ अच्छा,
दो तीन दिन बजे आ जाओ ना, तुम मॉल ही लेके बारिश ऐसी लगातार लगातार बारिश होती हो। हाँ आ जाएगी। घर कहाँ से तुम्हारे? अच्छा, देखो दीदी लोग ना थोड़ा बारिश कम हुई तो खेत में आ गए सभी लोग कुछ ना कुछ काम करने के। दीदी अभी गोबर लेके आए हैं और थोड़ा सा घास घास काट के ले जाएंगे फिर धान का भी नॉर। और देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया है ये, अभी ये दो एक डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा रोपाई लगाने के लिए। इससे बनेंगे धान के पौधे और फिर इनको दूर दूर रोपा जाएगा और इसी से ना इतने बड़े खेत के लिए हो जाएगा। इतने बड़े खेत के लिए है इतना सा। घूमने आए हैं वो लोग भी। धान के छोटे छोटे पौधे इतने बड़े हो गए हैं। एक और तो हमारी अभी गेहूं की फसल पक रही है और एक और धान के पौधे करने लग गए हैं किसान लोग तैयार। और ये इतने से लगाए हैं लेकिन ये पूरे इतने एरिया के लिए पूरे हो जाएंगे। देखो इस खेत में अभी डाले हैं धान ऐसे और पानी में बिल्कुल डुबाए जाते हैं और कुछ दिनों में फिर जम जाते हैं। इन्हीं से बनता है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोते। जहाँ पे बंजर जमीन होती है तो वहाँ भी प्रकृति ना अपना रंग दिखा देती है। जैसे यहाँ पे है बंजर जमीन और प्रकृति ने देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे वाइट वाइट फूल खिलाए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल गार्डन जैसा। गरुड़ ब्लॉक है ना चारू, और पूरा गरुड़ ब्लॉक है तो इसी की मार्केट है ये गरुड़ मार्केट। वैसे तो छोटी छोटी मार्केट हर गांव में हैं और हर जगह हैं लेकिन जो हमारे गरुड़ ब्लॉक की मेन मार्केट है तो वो है। लोगों के घर के फूल चूरते हुए नहीं दिख रहे ना, इतने प्यारे लग रहे तो ऐसा मन कर रहा है थोड़ी देर इनको प्यार करूँ। अभी पहुंच गई हूँ मैं घर। अभी यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्त और जाती हूँ लौकी और दूध लेने के लिए। और कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को ना मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें और जो पहली बार मिले हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करें।